जी के किनारे पर बैठे श्री वैश्यनंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं राजन। और आज की जो कथा है बड़ी ही पावन है। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखार में महाराज त्रिशंकु के बारे में। इन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है महाराज हरिश्चंद्र। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र ने लाखों हजारों दुखों का सामना किया था लेकिन अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई थी। एक समय की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में बड़े बड़े संत महात्मा लोग बैठे थे, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ भी बैठे थे। वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हो गए और अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बढ़ाइयां करने लगे। और जैसे ही बढ़ाइयां करने लगे तब तक विश्वामित्र उठ करके खड़े हुए और बोले, क्यों वशिष्ठ, जितनी तुम अपने शिष्य की बढ़ाइयां कर रहे हो इतना भी धर्म में आगे नहीं। और जैसे ही कहा तो आज कहने लगे हैं वशिष्ठ जी, बढ़ाई उसकी की जाती है तो बढ़ाइयां करने के लायक होता है। हमारा शिष्य अपने प्राणों को त्याग सकता है लेकिन धर्म से अधर्म नहीं कर सकता है। और सुनो, जो एक बार बात अपने मुंह से निकाल देता है उस बात को करके मानता है और जो उसके दरवाजे पर गया आज तक निराश होकर के वापस लौट करके नहीं आया। भरोसा नहीं हुआ विश्वामित्र को, कहने लगे हमें भरोसा नहीं होता है, जब भरोसा होगा जब हम तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। तो आज विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए चल दी। महाराज हरिश्चंद्र की हरी भरी बगिया थी, एक शूकर का रूप धारण किया, उस बगिया को उजाड़ने लगे। और जैसे उस बगिया को उजाड़ने लगे माली ने देखा, दौड़ के आया मारने के लिए। माली की जंगा को फाड़ दिया, घायल कर दिया माली को। और जब माली को घायल कर दिया, माली रोता चिल्लाता महाराज के दरबार में गया और जैसे ही देखा कहने लगा, सुनो महाराज गजब हो गया, बाग में एक सूगर आया है जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, और अगर हमारी बात मानो तो आप अभी चलो और चल के उसे जल्दी से मारो। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, माली अभी संध्या का समय है और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना ये अच्छी बात नहीं होती है। कहने लगे महाराज समझा करके माली, यह संध्या को समय और दुख मते दीजे काहू I'm
महाराज हरिचंद्र ने कहा, सुनो माली, अभी संध्या का समय है और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को दुख देना ये अच्छी बात नहीं होती। सुबह होगा हम जरूर चलेंगे। अब माली वहां से चला गया। सुबह हुआ, महाराज ने सेना को तैयार किया, मंत्री को साथ में लिया और चल दिए। और एक बात कही, सुनो, अगर किसी के पास से होकर के वो सूगर जीवित भाग गया तो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ से